नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जहाजुल दीवान एक बार फिर से आपकी सेवा में एनटीएन नेट के संदर्भ में हाजिर हुआ हूँ। और मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एनटीएन ने अपना रिजल्ट आउट कर दिया है। एनटीए यूजीसी नेट का रिजल्ट आउट हो चुका है और मुझे खुशी है कि एनटीए नेट की इस प्रक्रिया में शुरू से लेकर अब तक इस आखिरी पड़ाव तक मैं आपके साथ रहा, आपके तमाम सवालों से टकराया, आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश की और लगातार आपके जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश की। और मुझे ऐसा अनुमान हुआ और मुझे इस बात की खुशी भी है कि मैं काफ़ी हद तक आपके साथ जुड़ सका। आपने मेरे पर भरोसा किया और उस भरोसे के मुताबिक मैं आपकी तमाम जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश की। और आखिरी पड़ाव में मैं एक बार फिर से आपको ये मुबारकबाद देते हुए कि एनटीए ने नेट यूजीसी नेट रिजल्ट आउट कर दिया है। और इस पड़ाव आखिरी पड़ाव में मैं आपका आखिरी बार शायद इसके बाद भी एक दो वीडियो और शायद बनाऊंगा रिजल्ट के एनालिसिस के लिए, लेकिन ये एक आखिरी पड़ाव है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से आप अपने रिजल्ट एनटीए की वेबसाइट से देख सकते हैं। और ये नेटवर्क की बहुत सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि उम्मीद है कि बहुत सारे लोग एक साथ इस वेबसाइट को आप चेक कर रहे होंगे और इसलिए सर्विस इस अनअवेलेबल बता रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जल्द से जल्द इस सेवा से रूबरू कराए, उपलब्ध कराए इस एनटीए की सेवा को। और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये ओपन हो जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से आप कहाँ से अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। और ये सर्विस में कुछ दिक्कतें आ रही है और इसको हम कोशिश करते हैं कि किस तरह से वेबसाइट पे ये अवेलेबल, मतलब पर्सनल आईडी पे अभी तक अवेलेबल नहीं कराया है, तो हमें मेन वेबसाइट से इसको देखना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है ये जल्द से जल्द खुल जाएगा। तो इस बार क्या रहेगी कट ऑफ और क्या होगी एनटीए की रणनीति, यूजीसी की रणनीति, की कितने लोगों को जेआरएफ मिलेगा, ये तमाम सारे सवाल रिजल्ट देखने के बाद ही सामने आएंगे। और आपसे मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चन पेपर अगर मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत सारे, आप इस वेबसाइट पे जाइए nta.ac.in पे जाके आप जो नेट का जो आइकन है उस आइकन पे जाइए और आइकन पे जाके आइकॉन पे जाके आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करके आप अपने नेट की जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट की तरफ आप बढ़ सकते हैं। इसमें क्लिक करते ही आपको ये आंसर की का जो ये है वो खुलता है, लेकिन आपको आंसर की पे नहीं जाना है, आपको नेट के रिज़ल्ट पे जाना है। और ये जैसे ये आइकन खुल जाएगा, ये देखिए व्यू रिज़ल्ट दिसंबर, नेट दिसंबर 2018, आप इस पर क्लिक करिए और क्लिक करते ही आपको मिल जाएगा, ये आपका आइकन ही खुल जाएगा। जैसे आपका आइकन खुला तो आप अपना रोल नंबर डालिए 1805180520207067। ये हमारे एक मित्र का रोल नंबर है और इसमें हम देखेंगे कि इनका रिज़ल्ट क्या हुआ। और आप भी इसी तरीके से अपने रिज़ल्ट को देख सकते हैं। और जिस प्रक्रिया से मैंने इसको डाला, आप भी उसी प्रक्रिया से अपना डालिए और देखिए ये रिज़ल्ट इनका आया है। रिज़ल्ट क्वालिफाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, इनका नेट हुआ है तो इसका नेट इस तरह से आप देख सकते हैं पूरी तरह से।
ठीक है। और इसमें ये देखिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड, ठीक है, परसेंटाइल 90 परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, मैक्सिमम मार्क्स मार्क्स ऑब्टेन 170, टोटल 176, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन 58.67, और परसेंटाइल स्कोर 90। ये तो इस तरह से ये जो रिजल्ट है आप यहाँ पे इस तरह से ये करके आप देख सकते हैं। और मैं ये जो लिंक है, दोनों ही लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स पे मैं दे दूंगा, और आप वहाँ से मतलब जो लिंक है उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना रिजल्ट को देख सकते हैं। लेकिन रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप ना भूलिएगा दोस्तों। जल्द से जल्द अपने रिजल्ट को देखिए और हमें अवगत कराइए कि आपका कितना रिजल्ट आया, और उम्मीद है बहुत सारे लोगों का जेआरएफ होगा, और बहुत सारे लोगों का जेआरएफ होगा, और बहुत डेट क्लिक है तो सब्जेक्ट कैटेगरी वाइज कट ऑफ ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप अपने कट ऑफ को भी आप जान सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कट ऑफ भी आपका निकल आएगा, और कट ऑफ के लिए हम अलग से फिर इसको अलग से एक चीज़ बनाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे और उसमें हम बताएंगे। फिलहाल आपको सिर्फ इतना बता दें कि हिंदी का जो कट ऑफ है वो कितना गया, हिंदी का कट ऑफ, हिंदी का जो कट ऑफ है वो गया है आपका अनरिजर्व 63.33। ये जेआरएफ का मार्क्स है 63.33, बहुत ही कम परसेंटेज गया, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, और 56 पे नेट हुआ है। तो ये और ओबीसी कैटेगरी का 60% पे नेट जेआरएफ हुआ है, और 52% पे नेट हुआ है, बहुत परसेंटेज घट गया इस बार। पिछले बार 63 पे जेआरएफ हुआ था। मैं कट ऑफ का डिस्कशन अगले इसमें करूँगा, तो अभी फिलहाल इतना ही। आप अपना रिजल्ट देखिए, फिर हम लोग कट ऑफ पे डिस्कस